सर, और एक बार अगर इन लोगों से पूछो तो नौ बोलते हैं कि लिख के दे तुम्हें, लिख के दे। मेरा बच्चा उस दिन इतना परेशान था और बार बार ये इतनी एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि जी समझ लो। उत्तर प्रदेश में इन दिनों फिरोजाबाद की महिला आईएएस का औचक निरीक्षण चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल महिला एसडीएम औचक निरीक्षण करने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। निरीक्षण के लिए एसडीएम घूंघट में मरीज बनकर पहुंची। उन्होंने आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लग गई। पहले उन्हें कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन जैसे ही उनकी पहचान उजागर हुई मौजूद कर्मचारियों के पसीने छूट गए। महिला एसडीएम के निरीक्षण में अस्पताल में कई खामियां सामने आ गई। इस पर कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के स्वास्थ्य महकमे में अनियमितता, भ्रष्टाचार और खराब व्यवहार की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जब एसडीएम सदर कृति राज के पास इसकी शिकायत आई तो उन्होंने फौरन मामले का संज्ञान लिया और औचक निरीक्षण पर निकल पड़ी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीदामई पहुंची तो उन्होंने गाड़ी से उतरते ही दुपट्टे से घूंघट किया, अपने साथ आए कर्मचारियों को बाहर रोका। एसडीएम ने साधारण मरीज की तरह पर्चा बनवाया और उन्होंने मरीजों और आम लोगों से बातचीत भी की। जैसे ही वो अंदर आई, दवाई चेक करने के लिए गई तो उन्हें बहुत सारी दवाइयां एक्सपायरी डेट वाली भी मिली। उन्होंने जांच के दौरान पाया कि स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और कर्मचारियों का मरीज के प्रति रवैया बहुत खराब है। एसडीएम को अस्पताल में काफी अव्यवस्थाएं भी मिली। इस पर उन्होंने कहा कि तमाम अव्यवस्थाओं को नोट किया गया है, इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी, लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ़ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी, इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे, किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, रिपोर्ट भेजेंगे आप जी। वहीं जब सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही ना भेज दे। सुना है इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में हैं। अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमानती देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।